मुकाबला शुरू होने वाला है भागलपुर बनाम लखीसराय का और ये गर्ल्स के मुकाबले होंगे। दोनों टीमें बिल्कुल मेरे सामने मौजूद और करतल ध्वनि से स्वागत करती हुई लड़कियां हमारे चीफ गेस्ट का। अभी जो हमारे सामने बालिका टीम खड़ी है, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब और खुद जोनल कबड्डी चैंपियनशिप के कबड्डी संघ के अध्यक्ष मौजूद श्री कन्हैया तांती साहब, हमारे निर्णायक महोदय, सबों से परिचय प्राप्त किया जा रहा है। सारे अतिथियों से आप देख सकते हैं यहाँ पर परिचय प्राप्त किया जा रहा है। थाना प्रभारी आदरणीय इंस्पेक्टर साहब, बड़े आदरणीय कबड्डी संघ के अध्यक्ष कन्हैया तांती साहब, और अब घड़ी है टॉस की। आज का मुकाबला आप देख रहे हैं भागलपुर बनाम लखीसराय, लड़कियों का मुकाबला शुरू होने वाला है और ये फोटो सेशन थोड़ी देर के लिए। ये फोटो सेशन का वक्त और इसके बाद लखीसराय बनाम भागलपुर का ये मुकाबला आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो भागलपुर की टीम ने चॉइस किया है कोर्ट और इस तरफ लखीसराय की टीम और मुकाबला शुरू होने के कगार पर है। रेट और यहां पर आक्रमण लखीसराय का 35 नंबर की जर्सी में। अब रेड है भागलपुर की तरफ से, आक्रमण लखीसराय का भागलपुर के ऊपर। रेड करने के लिए गई है लखीसराय की खिलाड़ी, ताक में मौके की ताक में कि किसी तरह से एक अंक हासिल किया जाए, लेकिन जी नहीं, यहां पे पॉइंट मिला है, एक पॉइंट भागलपुर को। भागलपुर की टीम अग्रता हासिल कर चुकी है इस मुकाबले में, आज के मुकाबले में। भागलपुर की रेट फर्स्ट कोटे से धकेलते हुए सेकेंड और थर्ड कोटे में पकड़ने की कोशिश हुई है और क्या यहां पे अंक मिलेगा? जी हाँ, और यहां पर एक पॉइंट मिला है लखीसराय को। लखीसराय का आक्रमण, रेड लखी के सराय की तरफ से, और वापस लौटना मुनासिब समझा तो बोनस पॉइंट लखीसराय ने यहां पर प्राप्त किया है। रेड भागलपुर की तरफ से लखीसराय के ऊपर अटैक, आक्रमण, कहीं ना कहीं से एक अंक जुटाने की कोशिश में। कबड्डी में हाथ भी चलते हैं, पांव भी चलते हैं, साथ ही साथ आपके दिमाग का चलना भी बेशक बेहद जरूरी होता है। अब रेड लखीसराय की तरफ से और कमजोर सी अटैक, कमजोर सी टैकल की गई थी यहां पर, और नतीजे में बोनस प्लस वन पॉइंट जाता हुआ लखीसराय के खाते में। तो 5-1 से लखीसराय की टीम आगे चल रही है इस मुकाबले में। जो बोनस अंक मिलते हैं वो कहीं ना कहीं से काफी फायदा दिला जाते हैं, और यहां पे क्या एक, जी हां बिल्कुल लाजवाब, बेहतरीन 3 अंक लखीसराय के खाते में गिरते हुए। दर्शकों में उत्तेजना की लहर दौड़ी है इस शानदार खेल से। ये डू एंड डायरेड भागलपुर की तरफ से, अगर कोई अंक नहीं हासिल करते हैं तो फिर फायदा लखीसराय की टीम को मिल जाएगा। खेल लिया है और एक बार फिर से यहां पर
अंक फिर से प्राप्त किया है, एक अंक मिलता हुआ लखीसराय की टीम को। फेवर ऑफ लखीसराय 9-1, आक्रमण लखीसराय का और बिल्कुल ही कमजोर सी पकड़, लंबी कद का ठीकी, सबसे लंबी दोनों टीमों में ये खिलाड़ी हैं। 3 अंक और अब अंक हो गए हैं कुल 12-1, बहुत ही ज्यादा आगे चल रही है लखीसराय की टीम। और यहां पर भागलपुर की लड़कियों ने टाइम आउट लिया है, उनके कोच टीम मैनेजमेंट कुछ फैसले लेगी और फिर इस कमी को, भारी अंतर को पाटने की कोशिश की जाएगी। आप देख रहे हैं 47वीं बिहार राज्य जूनियर बालक एवं बालिका जोनल कबड्डी चैंपियनशिप 2021 के बीच आज का मुकाबला, ये अहम मुकाबला भागलपुर बनाम लखीसराय की लड़कियों के बीच, जिसमें 13-1 की अग्रता हासिल की है। क्या एक और पॉइंट हासिल होगा? जी हाँ बिल्कुल, एक और पॉइंट हासिल किया है लखीसराय गर्ल्स टीम ने और अब स्कोर हो गया है फेवर टू लखीसराय 13-1, 13-1। आक्रमण रेड लखीसराय की तरफ से लाजवाब मुकाबला, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर, ये वेन्यू है बरियारपुर का फिलिप्स हाई स्कूल। और देखिए ओहो क्या कमाल, और यहां पर इशारे देखें आप निर्णायक मोह, देखें बोनस पॉइंट भी हासिल किया है लखीसराय की टीम ने, स्कोर 16-1 फेवर ऑफ लखीसराय। क्या बात है, ओ माय गॉड, पूरी तरह से 17-1 17-1 से आगे लखीसराय की टीम, 17-1 की अग्रता। बड़े चपल, चुस्त, चौकस और चालाक लग रही हैं लखीसराय टीम की सारी खिलाड़ी, देखिए किस तरह से चालाकी। और यहां पर भाई कहा कि नहीं, मेरा आस्तीन आप छोड़ दें क्योंकि मुझे एक पॉइंट लेना है आपसे। 18-1 फेवर ऑफ लखीसराय, आक्रमण रेड भागलपुर का लखीसराय की तरफ। ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ भागलपुर के ऊपर, क्योंकि अब जो रेड करने जाएंगे खिलाड़ी, उनकी इच्छा होगी कि भाई मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूं। किसी मैच में दो दो बार ऑल आउट किसी टीम को करना बड़ी सफलता कहलाती है। ये देखिए अब क्या होगा जी, दो खिलाड़ी मात्र शेष। ओह माय गॉड, नहीं नहीं, ये तो निर्णायक देखेंगे कि क्या हुआ है। आपस में जो बातें होती हैं उसका आनंद तो खिलाड़ी के साथ दर्शक भी लेते हैं, लेकिन निर्णायक महोदय की नजरें बड़ी तेज होती हैं। और यहां पर पकड़ा है, क्या लाजवाब, क्या लाजवाब, जी नहीं, यहां पर ऑल आउट कर दिया है लखीसराय की टीम ने भागलपुर की टीम को और स्कोर को पहुंचा दिया है 21-1, यानी 21 लखीसराय 21 एक से आगे फेवर टू लखीसराय। टाइम आउट लिया गया है आज के निर्णायक, मैं नाम बता दूं, हाफ टाइम माफ करेंगे, आज के निर्णायक महोदय का मैं नाम बता दूं आपको, आज दो बड़े निर्णायक हमारे बीच हैं, शिवराज जी और सर्वोत्तम जी, शिवराज साहब और सर्वोत्तम साहब, आपका लाख लाख शुक्रिया। ये देखिए हमारे YouTube चैनल पर दो बड़े ही दमदार रेफरी जिनकी नजरें बहुत ही करीबी रहती हैं और एक एक पॉइंट का ये निर्णय जो देते हैं वो लाजवाब होता है। हाफ टाइम का वक्त अभी हुआ था 21-1 से आगे, कि मैं सारे दर्शकों को दिखा दूं, यहाँ पर ढेर सारे दर्शक जो आए हुए हैं आज के मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, अपने आप को आप देख सकते हैं, खुद अपने चेहरे को आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर, सारे दर्शक आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। बरियारपुर के फिलिप्स हाई स्कूल जहां पर खेला जा रहा है 47वीं बिहार राज्य जूनियर बालक बालिका जोनल कबड्डी चैंपियनशिप। ओह माय गॉड, क्या बात है, यहां पर दूसरा अर्ध शुरू होता हुआ, प्रथमार्ध में 21-1 से आगे रही थी लखीसराय की टीम। और यहां पर क्या क्या, जी हां बिल्कुल, ये आखिरी
आखिरी कोशिश में नाकामयाब रही और ये पॉइंट गया भागलपुर के खेमे में। भागलपुर के खाते में एक अंक दर्ज होता हुआ मैं स्कोर बताना चाहूंगा आपको 22-2 22-2 से अग्रता हासिल कर चुकी है लखीसराय की टीम। फेवर 2 लखीसराय 22-2। रेड अब लखीसराय की तरफ से भागलपुर की तरफ और देखिए सारे खिलाड़ी मिलकर उकसा रही हैं कि और अंदर आओ मैं तुम्हें देख लूंगी। ये कबड्डी का खेल है, आसान नहीं है कबड्डी खेलना। और ये देखिए क्या टीम वर्क, मिले मुट्ठी तो लाख की, खुल जाए मुट्ठी तो खाक की। अगर आप सब इकट्ठे एक हैं तो आपका गांव समाज परिवार आगे बढ़ेगा, बिखर गए तो झाड़ू की तरह हो जाएंगे। और दर्शकों का मानना है कि जो रेड कर रहे हैं भागलपुर में सबसे फुर्तीली खिलाड़ी यही हैं। जी बिल्कुल, मेरा भी मानना है लखीसराय की रेड। और प्यारे दर्शकों मैं आपके पक्ष में ही रहूंगा ताकि आप मेरा सपोर्ट करें। मेरा ओह माय गॉड, क्या बात है, लाजवाब कबड्डी का खेल। और यहां पर लखीसराय को 3 अंक मिल गए, बजाइए जोरदार तालियां भाई अच्छे खेल के लिए। तीनों चलने के लिए पॉइंट आउट मैं बता दूं, पॉइंट 25-3 फेवर टू लखीसराय। 3 से आगे 25-2 से आगे लखीसराय की टीम। आक्रमण अब रेड अब भागलपुर की एक अंक हासिल करना चाहती हैं। और क्या 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 क्या, क्या एक और अंक 26-2। आखिरी 5 मिनट का वक्त है इस पूरे मुकाबले में। 25-3 फेवर ऑफ भागलपुर, 25-3 फेवर टू लखीसराय। भागलपुर का आक्रमण रेडिंग बिल्कुल अच्छी तो है, तेज तर्रार हैं, लेकिन यहां पर एक पॉइंट फिर से लखीसराय को मिलता हुआ 27-2 फेवर ऑफ लखीसराय। फिर हम अपना ये 22 और यहां पर 27-2 की अग्रता हासिल कर चुकी है लखीसराय की टीम। मात्र चंद लम्हों का खेल बचा हुआ है। भागलपुर की रेड, और यहां पर आखिरी जो चंद लम्हे बचे हुए थे 30 सेकंड के अंदर जो आखिरी चेतावनी दी जाती है कि आपके पास। और इसी के साथ ही इस पूरे मुकाबले में आज के मुकाबले तीसरी दफा ऑल आउट किया है भागलपुर की टीम को। तो मैं अब अपने स्कोर महोदय से जानना चाहूंगा स्कोर। 33 और एक पॉइंट और जोड़िए। आक्रमण रेडिंग यहां पर भागलपुर की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि कुछ पॉइंट के अंतर को कम करके मैच को सम्मानजनक बनाया जाए और इस कोशिश में भी वे नाकामयाब रह रही हैं। और यहां पर टाइम आउट लिया गया है भागलपुर टीम की तरफ से, उनके कोच उनके मैनेजमेंट ने कहा टाइम आउट। और आप देख रहे हैं 47वीं बिहार राज्य जूनियर बालक एवं बालिका जोनल कबड्डी चैंपियनशिप 2021 में लखीसराय बनाम भागलपुर का मुकाबला। तो चेंजेस हुए हैं भागलपुर की टीम में। मैं स्कोर बता दूं आपको और यहां पर लखीसराय की टीम ने एक और अंक अर्जित करते हुए स्कोर को पहुंचा दिया है कुल 31-3। आखिरी एक मिनट 4-31-4 आखिरी मिनट का खेल चलता हुआ आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ये भागलपुर बनाम लखीसराय का मुकाबला
गर्ल्स का, और ये मुकाबला खेला जा रहा है बरियारपुर के फिलिप्स हाई स्कूल में। इस रेड के बाद शायद मुझे लगता है आखिरी रेड होगी भागलपुर की तरफ से, और यहां पर आखिरी लम्हों में एक और पॉइंट 31-5 फेवर टू लखीसराय टीम। आखिरी चंद लम्हों का खेल शेष, 31-5 से आगे, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया ये कदम बेहद ही सराहनीय माना जा सकता है। 31-5 की अग्रता है लखीसराय टीम के पास। 26 अंकों से कोई टीम अगर आगे हो जाए और ऐसे में आखिरी मिनट का खेल बचता है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, बस अपने सम्मान को आप बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। एक और पॉइंट 34-4 फेवर टू लखीसराय। और यहां पर काफी देर के बाद 6 अंकों तक पहुंची है भागलपुर की टीम। आखिरी में कुछ दमखम दिखला रही हैं भागलपुर की लड़कियां, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता है। 33-6 फेवर टू लखीसराय। शायद ये अब कुछ ही रेडिंग बची हुई है। 33-6 से आगे लखीसराय की टीम, और लेकिन यहां पर 33-7 एक अंक और जुटाया अपनी टीम के लिए लखीसराय की गर्ल्स ने। 33 एक और अंक की तलाश में, बहुत ही चपल फुर्तीली नजर आ रही है। ये काश ये चालाकी अगर शुरू में रहती तो बड़ा मजा आता, चोटिल ना हो जाए ध्यान रखें। और इसी के साथ 33-7 यानी कि 33-7 से इस मुकाबले को जीता है। मैं चाहूंगा लखीसराय की लड़कियों ने 33-7 से मुकाबला जीता है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए।